इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी तो सर आउटसोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे बाकी एयरपोर्ट भी नहीं, दे दो। सारे का सारा बिकेगा पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बिकेगा पाकिस्तान, ये सारे का सारा बेचेंगे भाई, जो लेना चाहे ले लेना, लूट सेल लगी है भाई, एक सूबा लो दो फ्री दे देंगे, ये तो उस तरह चल रहा है काम। अब चलेगा आगे, देखें कि क्या होता क्या है आपके साथ, आगे आगे देखें, अभी तो शुरुआत है ना। ये लेकिन सर आपको, जी ये वैसे जाती पर्सनली आपको बताऊं, आपको IMF के लोन की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए आपने लिया है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों से आप पैसे लेके तो आप भाग सकें। आपके कई लोग जो है वन वे टिकट लेकर बैठे हैं इस वक्त, उड़ जाएंगे फौरन, भाग जाएंगे, लंदन से आए थे लंदन वापस चले जाएंगे, वो तो छोटे छोटे टैची केस लेकर आए हैं, हैंड बैग में आए, कैरी ऑन में आए थे, वो तो साथ सूट केस भी नहीं लेकर आए, वो तो कैरी ऑन से आए थे, टीटी लगाएंगे तो वापस अपने घर में, तो वो बल्कि हो सकता है टीटियां पहुंच भी गई हो इस वक्त, लेकिन सारा पता है। आरजू, ये जो हम बातें कर रहे हैं नई नहीं है, आपकी हर एजेंसी को पता है, आपके सारे इस्लामाबाद को पता है कि लूट किधर पड़ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन ये है कि रोकने का कोई इरादा नहीं किसी का, ये बात है। मेरे जैसे बंदे को दुख ये है कि अकाउंटेबिलिटी करने का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा, हमारे नए आर्मी चीफ साहब भी अकाउंटेबिलिटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं क्या बात है, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ। हालांकि उनके इरादे हैं पाकिस्तान में रिफॉर्म करने की, चीजें तब्दील करने के, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की तरफ तवज्जो उनकी भी नहीं है, अफसोस से मैं कहूंगा, अफसोस। और अकाउंटेबिलिटी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। देखें, डेड बॉडी की पहले जो एक जख्मी जिस्म होता है उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं, इलाज फिर होता है, तो ब्लीडिंग रोकने के बगैर आप उसको पेन किलर देना शुरू कर दो, क्या फायदा, वो क्योंकि सर पेन उसके किलर लिए तो देना शुरू हो सबसे चुके हैं। पहले, सर उसके लिए तो सबसे पहले उन्हें अपने जो अपना अपना इदारा है उसमें लोगों की पकड़ धकड़ करनी चाहिए, उनके पॉलिटिशियन की अदारे पकड़ तो बाद में आती है। आरजू, उनके अदारे में सबसे ज्यादा मैं समझता हूं जो ज्यादती की है, इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर किया था और पाकिस्तान के अरबों रुपए खर्च किए उस पर और अरबों का नुकसान हुआ, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी वहां से शुरू होनी चाहिए, वहां से शुरू होनी चाहिए कि भाई तुमने कौम के साथ ये क्या किया है, इस बंदे को लाए हो, जो कहते थे 200 बंदे इसके साथ हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, और उसके बाद क्या हुआ है। कल आप नई बात जो फैसल वाडा साहब ने कही है, उन्होंने कहा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है 11 करोड़ लोगों का, और उसका जो चीफ मिनिस्टर था वो पांव में बैठता था, खान साहब जब बैठते थे साथ, उनकी मिसेज बैठती थी जहाज में, तो पांव में बैठता था। फिर ये कहते हैं कि इस गुलामी से मौत अच्छी है, तो आपने एक बच्चा अब जनूबी पंजाब से ला के गुलाम बना लिया, आपने गुलामी उस पांव में क्यों बिठाते थे उसको, इस्लाम में इसकी इजाजत है आपको, लेकिन वो पांव में बैठता था। सर अलीम खान साहब कह रहे हैं कि जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, इमरान खान के फेवरेट सुमान बुज़दार, कह रहे हैं वो 5 लाख भी नहीं छोड़ते थे। भाई मैंने एक दफा गया पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूरा जनूबी पंजाब में से पूरे का पूरा बुज़दार ट्राइब जो यहाँ पे आ चुका है, 5-5 हजार ले रहे हैं बुज़दार फैमिली के लोग, जो दूर दूर के रिश्तेदार काम करा रहे हैं। ये मैं ये खुद अपनी आंखों से सुन के आया था कि पूरा बुज़दार ट्राइब आ चुका है लाहौर में, और वो कोई पैसा नहीं छोड़ते, वो लेते हैं और काम कराते हैं। लेकिन चले, आप वो कहते हैं अलीम खान साहब ने व्हाट्सएप मैसेज सेव किए मैं अपने, जो उन्होंने खान साहब को भेजे थे उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से, और खान साहब ने उस पर तवज्जो नहीं दी, ये कौन सा इस्लाम है भाई, ये कौन सा अमर बिन मारूफ है, ये कौन सा अय्या का नाब्दू भैया का नस्ताइन है। लेकिन ये कि दुख वाली बात यह है कि 25 करोड़ लोग अंधे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे कई ऐसे मुर्शिद फिर रहे हैं, बाबे फिर रहे हैं, जो सारे लड़के देते फिर रहे हैं सारा दिन, और लोग बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे जज सुप्रीम कोर्ट के बेवकूफ बन गए भाई, जर्नैल बेवकूफ बन गए हैं, वो कहते नहीं ये मुर्शिद है, ये तो खुदा ने, ये तो कहते सीधा खुदा से सीधा हम कलाम है, नऊज बिल्ला, मैं क्या इसका कहूँ। ये तो आरजू बदकिस्मती आपके मुल्क की है कि आपको कोई लीडर ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या बात है, आपको कोई लोकल लीडर नहीं मिल रहा बिल्कुल, को पाकिस्तान का पैदा हुआ वो, जिसके बच्चे यहाँ पे हो, जो यहाँ बाहर गया ना हो, जिसकी ख्वाहिश ना हो बाहर जाने की, पता नहीं आपको कोई ऐसा 25 करोड़ लोगों में से ऐसा इंसान ही नहीं मिल रहा अभी तक, ये ट्रेजेडी है आपकी, बदकिस्मती है आपकी। या फिर सर उससे आगे नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन सर साथ साथ पहले इमरान खान ने जो है वो फीमेल जज के बारे में जो कुछ कहा था, उन्होंने अदालत में जाके माफी मांगी। अब साइफर जो वो हिला रहे थे खड़े होकर अपने जलसे में, उस पर भी सुना कि शायद माफी मांगने वाले हैं। हाँ, माफी मांग ले, मुल्क तबाह हो चुका है, माफी मांग ले, क्या फर्क पड़ता है, माफी तो उन्होंने मांग ली है अमेरिका से, जो माफी मांग ली उन्होंने, उस साइफर निकाला है, और किस तरीके से पांव कदमों में गिरे अमेरिका के जाके, फिर उन्होंने किस तरह यू टर्न लिया, उन्होंने कहा नहीं जी बाजवा साहब ने जाके कहा था अमेरिका को ये बंदा ठीक नहीं है, फिर साजिश पहले यहां हुई, यहां से अमेरिका गई, अमेरिका से फिर वो साजिश वापस आई,
लेकिन लोग देखें, वो जो कहता है वो लोग मानते हैं। बात तो ये है, वो दिन को खड़ा होकर रात कह दे तो वो कहते हैं रात है, उसके गेट को जाके चूमते फिर रहे, कहते ये मुर्शिद है, जिंदा पी रही है, मनो सलवा अंदर उतर रहा है। कितनी बेवकूफ कौम है यार, मैं हैरान हूं। 21वीं सदी में कहते हैं तो मौजे कर रहा है, कहते इमरान नहीं तो कुछ भी नहीं, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, कैसे ये लोग हैं, सर कोई मेरे उनके समझ जवाब। साथी तो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, परवेज खटक भी जो है वो भी एकदम वो कर गए, उन्होंने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। नहीं देखें वो लेकिन देखें ना, वो दूसरे आजम खान साहब के हवाले से उन्होंने क्या बात की। खान साहब ने कहा जी वो तो बहुत शरीफ आदमी है, मेरे मुंह पे आके बात करेगा फिर मैं मानूंगा। वाह वाह, ये 21वीं सदी में देखें किस तरह का सिस्टम कि मुंह पर आए के मेरे बात करे, आपसे आपके कान में बात करे, कहे खान साहब लिख कर दे खान साहब ये। लेकिन उसमें एक और मैं बात यहां बताना चाहूंगा, 164 के हवाले से जो आजम खान ने बयान दिया है उसे 164 के हवाले से बात बताऊंगा। डार साहब ने भी 164 का बयान रिकॉर्ड कराया था नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। लेकिन ये कि ये डिपेंड करता है ना कि अदालत किस मूड में है, अदालत किस प्रेशर में है, अदालत क्या करना चाहती है, अदालत पाकिस्तानी है या अमेरिकन है, अदालत पाकिस्तानी है कि ब्रिटिश है, कौन सी अदालत है। आपकी अदालतों के अंदर सारे जो बैठे हैं वो तो गोरा लोग हैं, एचिसन से पढ़ते हैं, बाकी सारी तालीम बाहर से लेते हैं, तो गोरा साहब है वो, तो वो पाकिस्तानी थोड़ी है, बच्चे सबके बाहर बैठे। मैंने बताया कि मैं टोरंटो जाता हूँ, वहां देखता हूँ इनके सारे मोहल्लात देखता हूँ, इन जजों के और एस्टेब्लिशमेंट के और करप्ट आपके जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको देखता हूँ, 20-20 ग्रेड के जो करप्ट अफसर हैं उनके यहाँ 20-20 मिलियन डॉलर के मोहल्लात हैं टोरंटो के अंदर, मिसिसागा है, ऑक्सविल है, भरा पड़ा सारा, और पता है आपकी एजेंसियों को सब पता है भाई। जहाज उड़ते हैं थैले लेकर वहां पे डॉलरों के, बोरियां लेकर उड़ती हैं। अब जहाज उड़ सकता है किसी एजेंसी की मर्जी के बगैर, प्राइवेट चाहे प्राइवेट हो, तो क्लीयरेंस सर होती है उसके इन्वॉल्व पास। है ना सर एजेंसी वालों के भी, तो कनाडा में और अमेरिका में, दुबई में, सब जगह पे घर हैं, इन लेकिन आरजू मिलाकर है खा तो रहे हैं। पाकिस्तानी ना, है तो पाकिस्तानी। मैं ये कहता हूं कि ये जितने लोगों की हम बातें कर रहे हैं सब पाकिस्तानी है ना, कहने को शर्म नहीं इनको आती कि मादरे मिल्लत के साथ हम क्या कर रहे हैं, और आज से नहीं 76 साल से कर रहे हैं, और अब ये सरवाइव कर पाएगी, ये सरवाइव कौन सा कर रही है, अब कर पाएगी। आपको आप यू हैव आप क्वालिफाई नहीं करते एज अ स्टेट, उसकी वजह यह है कि स्टेट को जब डिफाइन करते हैं उसकी उसकी रेट ऑफ गवर्नमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बॉर्डर उसके सेफ होना, आइडेंटिफाई करें बॉर्डर बॉर्डर है। आपके दो सूबों में तो मुसलसल जंग चल रही होती है, आपके अफगानिस्तान के साथ आपकी हमेशा जंग चल रही है, ऑलमोस्ट हालते जंग में है, पिछले साल 264 अटैक थे आपके टेररिज्म के, क्यों ये स्टेट चल रही है। आपकी मुसलसल बलोचिस्तान के अंदर आपकी मुसलसल जंग चल रही होती है, तो ये स्टेट चल रही है आपकी। चार सूबों की चार गवर्नमेंट है मुख्तलिफ, ये आपकी स्टेट चल रही है। फेडरल गवर्नमेंट की रेटी नहीं है इस्लामाबाद के दायरे से बाहर, ये कौन सी आपकी गवर्नमेंट चल रही है। कर्जों पे कर्जा, कर्जों पे कर्जा, और आप तालियां बजाते फिर रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं कर्जा मिले, आपका कर्जा रोल आउट हो तो आप सेलिब्रेट करते हैं, आपको कर्जा मिलता जाता है आप 3 अरब की गाड़ियां अपने अफसरों को ले देते हैं। कोई ना शर्म है ना कोई हया है। अब देखें इसमें, अब इसमें कोई दुनिया क्या आपको करे या लोग क्या करें आपके साथ। मैं सर सर पाकिस्तान में कराची में एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, आदर्श रकावस जी, आई डोंट नो आपने पढ़ा है उनको या नहीं, डॉन में लिखा करते थे, कोई 15 साल पहले की बात है, मैं उनसे मिली थी, तो वो कह रहे थे कि ये 20 से 25 साल में ये फेल्ड स्टेट में चला जाएगा पाकिस्तान को, उन्होंने कहा था। और आज मुझे लगता है कि वही वक्त आ गया, हम ना माने तो और बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये फेल्ड स्टेट होता जा रहा है, हो फेल होता जा रहा है। मैं क्या, तो मुझे चुका क्या है। हो चुका है, ऑफ कोर्स मुझे कई दफा नहीं, मैं जब बात करता हूँ आपके कई बड़े आपके जो लोग अथॉरिटी वाले पाकिस्तान, तो वो तंग आ गए जब मुझसे बात नहीं कर पाते किसी आर्गुमेंट पे, तो बात कहते हैं ताड़ साहब कहते हैं शायद साहब छोड़े हैं, कुछ पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ क्या होना है, सोमालिया को कुछ हुआ है, कांगो को कुछ हुआ है, कुछ नहीं होता। इस दौर 21वीं सदी में मुल्क रहते हैं वहां, लेकिन वहां पे वॉर लॉर्ड जिस तरह ना हर 100 मील के फासले पे अलग अपना डंडा लगा के टैक्स लेना शुरू कर देते हैं, जिस तरह आपके चार सूबे हैं उसके चार मुख्तलिफ पार्टियां उसको, चार मुख्तलिफ किस्म के, यही कहना वॉर लॉर्ड ही समझ लें उनको, वो अपने टैक्स ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सिंध को पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर लिया है, आपके सूबा सरहद के अंदर वो आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब का कब्जा है, या पंजाब के अंदर आपकी नून लीग की और पीटीआई की लड़ाई हो रही है, उधर बाप पार्टी सारे मिलके कर रही है, वॉर लॉर्ड है और क्या है ये। इसको आप ये कहेंगे आपकी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे, लोग बेजार हैं, बिल्कुल बच्चे डूब रहे हैं आपके जाके कश्तियों पे, मर रहे हैं पैदल भाग भाग के जा रहे हैं, नई जनरेशन आपकी
और किसी को शर्मो लिहाज ही नहीं है। मैं ये इसको कहते हैं अगर कि ये फेल नहीं हुआ हो चुका तो ये क्या है फिर, ये मेरी। और अपनी अदालतों के हालात देख लें आप, आपके जो जजेस हैं, मैं देखता हूं कई दफा प्रोसीडिंग सुनता हूं, वो मुजरमों की सफाइयां पेश कर रहे हैं, वो एज ए डिफेंस अटर्नी दे बिहेव लाइक इट। मर्सिडीज गाड़ियों में बुलाना उनकी, उनको रेस्ट हाउसों में भेजना, उनको आने वाले जराइम में जमानतें दे देना, क्या हो सकता है ये बंदा अगले हफ्ते कत्ल करे उसकी भी जमानत ले जाओ। ये इस तरह की अदालतें हैं तो आपकी। सर तो ये आप तो ये कह कहते हैं रहे हमें एटम बम बचा लेगा, हमें सर हमें एटम बम बचा लेगा क्या? एटम बम के ऊपर खाना पकाने पहले आप देखें, शायद हो सकता है बिजली तो खत्म हो रही है, एटम बम से खाना पकाने की कोशिश करें, रोटियां पक जाती हैं उस पर तो अच्छी बात है, कोशिश करें आप। एटम बम, मुझे तो नहीं उम्मीद आपके पास कोई एटम बम है, मुझे लग रहा चाइना ने आपको वैसे ही कोई लीज पे कोई पटाखा दिया था, वो चला गया वापस। आप यू डोंट बिहेव लाइक इट, पाकिस्तान डोंट बिहेव लाइक यू आर यूर एटॉमिक पावर। आई डोंट एक्सपेक्ट। और ये है भी, ये तो कहाँ रखा है आप, आपके पास उसकी हिफाजत करने की सलाहियत ही नहीं है। आपके कोर कमांडर लाहौर के अंदर घुस के वो बच्चों ने जाके जो वहां जलालत की है, वो वही कोर, इसी तरह का कोर कमांडर होगा ना कोई इंचार्ज आपके एटम पंप की हिफाजत का भी। वो तो भाग गया था सर पिछली दीवार कूद के, कोर नहीं, पहले तो उसने कमांडर कहा, नहीं आपने, पहले उसने कहा था ये अपने ही बच्चे हैं इनको अंदर लाओ चाय पे पिलाओ। वो जो अंदर घुस के उन्होंने उसके यूनिफॉर्म उतार के पहना, उसने कहा ओए ये तो भाई, ये तो जूते मारेंगे, फिर भागा वहां से। पहले तो उनके साथ था, वो कहता अपने बच्चे हैं यार अंदर लाओ चाय शाय पिलाओ, खाना वाना पकौड़े बनाओ यार, पहले तो ये ड्रामा हुआ। और ये वो कोर कमांडर है जो इंडिया के साथ बॉर्डर लाहौर के ऊपर उसके उसका कोर का इंचार्ज, और फिर हम कसम उसके ऊपर हम इंडिया को आंखें दिखा रहे होते हैं मैं और हैरान हमने इस गजवा बात हिंद भी करना है। कर चुके हैं आप गजवा, उसी ने किया ना गजवा, जिसका यूनिफॉर्म पहन के वो जो लौंडा लपाड़ा जो भागा वहां पे, उसने फिर कहा मुबारक मुबारक इनकलाब इनकलाब। और वो न्याजी साहब कहते हैं, जी न्याजी साहब कहते हैं ये सारे एजेंसियों के लोग, भाई तुम्हारा भांजा पतलून लेके खड़ा हुआ था भाई कोर कमांडर की, खतीजा शाह अंदर से वीडियो पर आती रही है, बाहर डॉक्टर बैठी हुई थी गाड़ी में।